हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेसन में मैं वाइगोत्स्की की थ्योरी को डिस्कस करूंगी, जो हमारा लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है, जो कि आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सीटेट नहीं तो कोई भी आप एग्ज़ाम देखिए, उसमें वाइगोत्स्की की थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, तो आज इसी थ्योरी के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। और जितनी भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो वाइगोत्स्की ने दिए थे, उन सभी को मैंने इसमें जो है कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, आपको ज़रूर कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हेल्प करेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी, वाइगोत्स्की ने क्या दिया था बेसिकली। ओके, देखिए अगर हम उनकी थ्योरी की बात करें तो थोड़ा सा वाइगोत्स्की का बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूस के रहने वाले थे ये। और इन्होंने क्या किया था ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना। ठीक है, इनका मतलब सोशल और कल्चरल, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था सोशल पे, कि भाई समाज जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत मेन फैक्टर होता है एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। ओके, इन्होंने बोला कि संज्ञानात्मक विकास एक बच्चे में जब होता है तो उसमें सामाजिक कारक जो होते हैं, सोशल फैक्टर्स में कुछ भी हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसका पीयर ग्रुप हो सकता है, उसका एनवायरमेंट हो सकता है, तो वो और एक भाषा, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चे के विकास में अपना योगदान देती है। ओके, इन्होंने बोला कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में होता है। यानी अंतर्वैयक्तिक का मतलब ये है कि बच्चा अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से मिल के सीखता है। ओके, उसके बाद इन्होंने बोला कि जो जैविक कारक होते हैं, जो जैसे कि प्याजे ने जैविक कारकों को ज़्यादा महत्व दिया था, लेकिन इन्होंने जैविक कारकों की भूमिका कम बताई। इन्होंने बोला कि सामाजिक कारक बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, और सामाजिक कारक जो है, जो भी सामाजिक कारक में जो भी बच्चे की आसपास की जो सोसाइटी है, वो उसकी भाषा में, उसकी मेमोरी में, स्मृति में, उसके अमूर्त चिंतन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। तो एक तरह से वाइगोत्स्की का ये ओवरव्यू था कि वाइगोत्स्की क्या सोचते थे, उनके अनुसार कैसे एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता था। और इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, जिन कॉन्सेप्ट को जान लेना ज़रूरी है, और हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को फोकस करेंगे। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला है रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, इन्होंने ZPD का कॉन्सेप्ट दिया, स्कैफोल्डिंग दिया, मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि MKO जिसे कहते हैं, और इन्होंने प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच की बात की थी। तो इन्हीं को हम जानेंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि इन्होंने बेसिकली कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, सबसे पहले ZPD को देख लेते हैं। जो ZPD था बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है, तो इसको देख लेते हैं हम। देखिए ZPD जो है, आप एक ये डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि एक सर्कल है। ओके, इसमें है कि व्हाट आई कैन लर्न माय ओन, ये एक बच्चा है जो है कि भाई वो खुद से क्या सीख सकता है। ओके, उसके बाद है व्हाट आई कैन लर्न विद द हेल्प, यानी कि वो किसी की हेल्प से क्या सीखेगा। ओके, और उसके बाद ये है कि भाई बियॉन्ड रीच, जो वो नहीं सीख सकता, यानी कि किसी की हेल्प भी अगर उसको मिल रही है तो वो फिर भी नहीं सीख सकता। ठीक है, तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD से तात्पर्य बच्चों के ऐसे कठिन कार्यों के परास से होता है, ठीक है, जिसे वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अपने वयस्कों या किसी की सहायता से वो उसको पूरा कर सकता है। ठीक है, ZPD वही होता है कि भाई जो काम बच्चा नहीं कर सकता, यानी कि एक काम तो है कि बच्चा खुद से कर ले रहा है किसी बिना किसी की हेल्प के, वो ये वाला एरिया हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा। उसके बाद है कि बच्चा अगर किसी की हेल्प उसे दी जाती है किसी भी तरह की, यानी कि वो हेल्प मोर नॉलेजेबल अदर भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी नॉलेज उस बच्चे से ज़्यादा है। ठीक है, वो व्यक्ति भी उसे दे सकता है, कोई टेक्नोलॉजी है, मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से भी बच्चा, ज़रूरी नहीं कि मोर नॉलेजेबल अदर ही ZPD में अपना योगदान देगा, उसमें टेक्नोलॉजी भी आती है और स्कैफोल्डिंग आता है। ठीक है, जो भी सहायता होती है,
तो इन सभी की हेल्प से बच्चा क्या सीख सकता है, यानी कि व्हाट आई कैन लर्न, यही उसका ZPD कहलाता है. क्या कहलाता है? यही उसका क्या है, एक रेंज, जो इसके बीच में जो ये आप एरिया देख रहे हैं, जो बच्चा किसी की हेल्प से सीख लेता है, ये जो है यही इसका क्या है, ZPD है. ओके, यानी कि उसका वास्तविक विकास, देखिए ये उसका वास्तविक विकास है कि भाई जो वो अपने लेवल पे सीख रहा है. उसके बाद उसको हेल्प दी गई किसी भी तरह की, चाहे वो नॉलेजेबल अदर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो स्कैफोल्डिंग हो. अब उसको हेल्प दी गई, तो अब जो स्तर है, अब जहाँ पे जिस लेवल पे वो, मान लो यहाँ, अब वो यहाँ तक सीख सकता है, तो यही उसका ZPD होता है. ठीक है, आगे देखते हैं कि भाई जो बच्चा कर रहा है और तथा जो वो करने की क्षमता रखता है, उसे ZPD कहा जाता है. यानी कि यहाँ पे बच्चा जो कर ले रहा है बिना किसी की हेल्प के, और यहाँ पे जो उसको, जो वो सहायता से कोई काम कर रहा है, वो उसका, उसके बीच के जो एरिया हुआ, वही उसका ZPD होता है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ZPD. नेक्स्ट पे चलते हैं. अब एक ZPD का बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है, जिसको हम स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं. ठीक है, यानी कि ZPD की हेल्प करता है स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग के द्वारा ही बच्चा अपने लेवल तक पहुंचता है. तो देख लेते हैं इसका कि भाई ढांचा निर्माण क्या है, एक ऐसी तकनीक है जो सहायता के स्तर में क्या करती है, परिवर्तन करती है. ओके, जैसे मान लीजिए बच्चों के पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो जो अभी ठीक नहीं है. यानी कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो एक तरह से मान लीजिए एक बच्चा है, उसको अभी शू लेस बांधने नहीं आते हैं, उसको अभी अपनी यूनिफॉर्म पहनने नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल. तो अगर उसकी मदर या उसके फादर या कोई भी ऐसा व्यक्ति उसको हेल्प कर रहा है उस चीज़ में, उसको डेली डेली वो ड्रेस पहनाने में हेल्प कर रहा है, या वो उसको शू लेस बांधने में हेल्प कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा, जो बच्चे बच्चे को नहीं आता था, धीरे धीरे वो एक टाइम ऐसे आएगा कि वो बच्चा बिना किसी की हेल्प के ही वो बांधना सीख जाता है शूलेस को. तो यही एक तरह का स्कैफोल्डिंग हुआ, एक तरह का सहायता हुआ. ठीक है, जो जो कोई भी व्यक्ति उसको दे सकता है, जिसके पास उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर है, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई कंप्यूटर हो, चाहे वो कोई कोई पेरेंट हो, कोई उसका पियर भी हो सकता है. ठीक है, तो ये स्कैफोल्डिंग है. और इसके बाद वाइगोत्स्की ने एक और बात कही कि भाई जैसे जैसे बालक सीखता है, अनुदेशन और संयोग हटता जाता है. जैसे मान लीजिए बालक को पहले, उसको बच्चे को मान लीजिए उसको लिखना नहीं आता था, तो पहले उसको पेंसिल को पकड़ा के लिखा, एक टीचर मान लीजिए कि पेंसिल पकड़ा के बच्चों को लिखना सिखा रही है, तो धीरे धीरे क्या करेगी, वो अपनी सहायता को, अपने इंस्ट्रक्शन को हटाती जाएगी, धीरे धीरे कम करती जाएगी. ऐसा थोड़ी ना होगा कि टीचर उसको हमेशा ही सिखा रही है. तो ऐसा एक टाइम आता है कि भाई स्कैफोल्डिंग में धीरे धीरे वो सहायता कम हो जाती है, और एक ऐसा टाइम आता है कि बच्चा खुद से ही लिखने लग जाता है बिना किसी की हेल्प के. तो यही है स्कैफोल्डिंग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण है कि मैथ्स के सवालों को सॉल्व करना. जब ये मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले टीचर हेल्प करती है, कोई भी हमारे जो भी जिसको भी नॉलेज है हमारे, हमसे ज़्यादा, वो हमें हेल्प करता है. लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम बिना किसी की सहायता से सवालों को सॉल्व करना, जैसे अभी प्लस माइनस हम कर लेते हैं, तो हम अब किसी की, बिना किसी की सहायता के ही उस चीज़ को हल कर लेते हैं. तो एक एग्जाम्पल स्कैफोल्डिंग का हुआ, और यही एक बच्चे की ZPD में, यानी कि जो बच्चे को आता है ये, और जहाँ तक बच्चा सीख सकता है, यहीं पे स्कैफोल्डिंग जो है वो अपना योगदान देती है. आई होप क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. अब उसके बाद आता है मोर नॉलेजेबल अदर. ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर में है कि भाई कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बेटर एबिलिटी है लर्नर से, या अंडरस्टैंडिंग है, वही मोर नॉलेजेबल अदर होता है. ठीक है, नॉर्मली थॉट ऑफ एज बीइंग अ टीचर, ट्रेनर और ओल्डर. कोई भी, देखो हम ये सोचते हैं कि भाई मोर नॉलेजेबल अदर उससे कोई टीचर हो सकता है, कोई ट्रेनर हो सकता है, कोई उससे ओल्डर हो सकता है, लेकिन मोर नॉलेजेबल अदर कोई पीयर भी हो सकता है. उसका मान लीजिए उसका कोई फ्रेंड है जो उसको सिखा सकता है, उसका कोई, उसे कोई छोटा कोई पर्सन है वो उसको सिखा सकता है, या कोई कंप्यूटर है वो कोई हेल्प कर रहा है बच्चे की नॉलेज में, तो वही मोर नॉलेजेबल अदर वो भी होता है. ओके, उसके बाद रेसिप्रोकल टीचिंग की बात वाइगोत्स्की ने की. वाइगोत्स्की ने कहा भाई रेसिप्रोकल टीचिंग वो टीचिंग है जिसमें एक टीचर 4 या 5 बच्चों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाता है, और उसमें एक पैसेज होता है, यानी कि यहाँ पे रीडिंग एबिलिटी को ध्यान दिया जाता है. ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग पठन बोध, यानी कि जो रीडिंग एबिलिटी है उसकी, उसको अच्छा करने में हेल्प करता है. यानी कि कोई भी क्लासरूम में 4 से 5 ग्रुप होता है बच्चों का, टीचर बनाता है, और बच्चे साथ में बैठ के टीचर के साथ में किसी भी पैसेज पे कोई भी डिस्कशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और उसके बाद अपने जो विचार हैं, जो भी थॉट होते हैं, थॉट प्रोसेस होते हैं, उसको वो आगे
उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यही रेसिप्रोकल टीचिंग हुआ बेसिकली, जब जो बच्चे की कौन सी क्षमता को डेवलप करता है, ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की पठन बोध की क्षमता को, यानी कि उसकी रीडिंग एबिलिटी की जो है उसको इन्हांस करता है। ओके, सो गाइज, ये वाइगोत्स्की के कुछ कॉन्सेप्ट थे जिसमें हमने ZPD की बात की, और ZPD की हेल्प करता है स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर और रेसिप्रोकल टीचिंग। तो भाई, ये जो मोर नॉलेजेबल अदर है, रेसिप्रोकल टीचिंग है, या जो स्कैफोल्डिंग है, ये सभी चीज़ें एक बच्चे के ZPD में, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, उसको जो आगे ले जाने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था।